इनका शरीर में खून नहीं है।
इस तरह में इनकी जान भी जा सकती है। आप पहले किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखलाए, ना दिखाइए हम बताए सुन पे ना करे क्या करिए। यहाँ पर पढ़ा लिखा कौन है? कोई भी नहीं। डॉक्टर साहब हमारे बेटे पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्मी पढ़ी लिखी है। लक्ष्मी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, दवाइयाँ लेके इनको टाइम पर देते रहना। ओके। अंकल आप आए मेरे अंकल को देखने, उसके लिए थैंक यू। वेलकम। जाइए अंकल, अच्छा दवाइया देते रहिए। जाइए दादा, अच्छा रहिए। ठीक छोटा लगा ठीक है। चलता देखा ये चल चलना तुम्हें कैसे बार चल दिया कैसा ना तुम दीदी अभी अभी ठीक है। तो दवाई ले ले, तो दवाई खा लो, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो अभी कैसा नहीं पता, अभी ठीक है। ये दवाई ले ले, ये तो तुम बच्चे तो बड़ी समझदार हम लोग पढ़ लिख के और अभी जान बचे लो। थोड़ा सा कहा जी पढ़ावे ना पढ़े ले, अभी पढ़ावे से जैसे हमारे घर के सब कुछ है देखा है। ठीक है तो आंटी दिखाइए आप कौन सा दवा दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो पॉइजन है। आंटी आपको कौन ला के दिया था ये दवा? ये है बाजार में ले रहा है। ठीक है मैं उसे पता चल। तुम्हें दवा जहर में फर्क समझ में नहीं आता है? अभी तो जहर लाके अपने पापा को मरवा ही देता। हमको जाना है दवा को जहर जब तक एक ठीक रखा। इसलिए बोलते कि पढ़ो तो पढ़ नहीं करता, इधर उधर जाके खेलते रहता है। पढ़ोगे तो क्या होगा? तो पढ़ लिख के ना करके चूल्हे फूकू ऐसे भी सब लड़की पढ़ लिख के चूल्हे फूके रहते। बोल तो समय बताया कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। पढ़ लिख के होता कि अभी नहीं पढ़ो ना, नहीं पढ़ा इसलिए तो जहर ला के अभी ला के दे रहा था। ठीक है तो लिखा भैया जी हम अभी लिखा ही नहीं है।